और बात नैनीताल की, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के लिए 28 मार्च को मतदान हुए थे। बार काउंसिल चुनाव में 20 पदों के लिए 90 प्रत्याशी मैदान में हैं। मंगलवार को 12 बजे नैनीताल क्लब में मतगणना शुरू हुई। मतगणना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया कक्ष से बाहर बड़ी टीवी स्क्रीन पर साफ दिखाई जा रही है। पहले राउंड में अल्मोड़ा और बागेश्वर की मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना पूरे होने में करीब 3 दिन का समय लगने के आसार हैं। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। काउंटिंग 12 बजे से आरंभ हो चुकी है और करीब 7,000 से ऊपर मतदाताओं ने अपना मतदान का प्रयोग किया है, जिसमें कि अभी तक जो है कि अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली की मतगणना की गिनती आरंभ हो चुकी है, जिसमें कि अल्मोड़ा की मतदान जो है कि गिनती पूर्ण हो चुकी है। तो संभवतः जो है कल तक जो है संपूर्ण मतगणना पूर्ण हो जाने की संभावना है।